कनेक्ट 24 में मैं आपके साथ मोहम्मद अहमद। हम अभी राबड़ी आवास के अंदर हैं मौजूद। यहाँ आप देख सकते हैं नज़ारा, गुजारिश करते दिखाई थोड़ा नज़ारा इन लोगों का। ये देखिए खचाखच भरा हुआ है, लोग से उत्साह देखिए इन लोगों का। ये देखिए बैठते हुए सारे लोग हैं और भी काफ़ी लोग यहाँ चारों तरफ से आपको दिखेंगे। तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री का शपथ लेकर वापस राबड़ी आवास पहुंचे। इनसे पूछते हैं आरजेडी के समर्थक है, क्योंकि आरजेडी के मतलब घर में घुसे हैं। क्या नाम होगी आपका? संजय कुमार। संजय कुमार कहाँ से हैं? राघोपुर। राघोपुर राघोपुर से हैं। राघोपुर में विकास हुआ है? विकास हुआ है। और विकास हुआ? हम क्या बोले, आप ना बोलिएगा। विकास हुआ है? होगा होगा एकदम होगा। वहाँ क्या नेता में क्या है अभी आप? नेता में हम बहरामपुर के सरपंच हैं, पंचायत में सरपंच। आप बताइए कैसा लग रहा है 5 साल बाद सत्ता में आए तेजस्वी जी मुख्यमंत्री के तौर? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा। और सत्ता मिलता अच्छा लग रहा है। और काम किए थे पहले भी, अब ज्यादा से ज्यादा काम करेंगे। हाँ ज्यादा से ज्यादा काम करेंगे। नाम हो गया आप? रमेश प्रसाद राय। 10 लाख रोजगार मिलेगा नौकरी? आप तो उनका से बात करला के बाद बताएंगे। खर्च करता है तो तेरे बात करे का अधिकार है, हमारा क्षेत्र का विधायक है। अच्छा राघोपुर से? आप भी राघोपुर से? जी जी। चलिए बहुत अच्छा, आप भी राघोपुर से हैं। बात करेंगे। आरा साइड से है, राहुल राहुल तिवारी के तरफ है। देखिए विकास की जहाँ तक बात आप करते हैं तो तेजस्वी जी का जो सोच है वो सोच एकदम विकासशील में है। और वो जो उनको मौका 1.5 साल का मिला, 1.5 साल में अपना रुतबा दिखा दिए हैं। आप बोलिए, आप देख रहे हैं? हाँ दरभंगा से। दरभंगा से कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। अच्छा तो लगेगा ही, आगे बताइए। आगे आपने मत पूछिएगा, मतलब विकास होगा एकदम होगा, कहे नहीं होगा। आपको बोलना चाहिए अच्छा लग रहा है इसी वजह से क्योंकि विकास होने वाला है। सत्ता में क्या है कि बस सबको अच्छा लगता है, लगता कि नहीं? हमें लगता है। सबसे बड़ी बात है कि आज 9 तारीख का हुआ है, बिहार से भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था और बिहार से भाजपा मुक्त हुआ था। निश्चित है कि भारत से भाजपा मुक्त होगा। भाजपा मुक्त होगा, बिहार से शुरुआत हो गया है, धरना पे बैठ गया एक क्रांति की धरती रही बिहार। बोलिए चाचा, आपको उम्र दराज है, एक्सपीरियंस है, तजुर्बा है, अनुभव है, बिहार से जो लोग कह रहे शुरुआत हो गई भाजपा के अंत का, सही है? भाजपा की अंत हो गई आज, आज ही हो गई है भाजपा के। भाजपा तो कोई पार्टी थी नहीं, भाजपा तो 10 ठू को मिला के और अपना एक ग्रुप बनाई हुई थी सबको ठक ठक के। भाजपा क्या बात कर रहे हैं, 19 राज्य में 19 राज्य में सरकार है। आप गिनिए ना जो क्या राज्य में उसका अपना सरकार है। जहाँ पर हार भी गया है वहाँ पर भी जबरदस्ती घुमा फिरा के चोरी चमारी से सरकार बना लिया है। कल महाराष्ट्र में भी सरकार उसकी बनी है और किस तरह बना है सो भी हाँ सब जानता है। वही हाल चाह रहा था बिहार में, लेकिन कंपनी और करनी में अंतर भाजपा का है। अच्छा। और जुमलेबाजी की पार्टी भाजपा है। 15 करोड़ काला धन GST सारा बस नामी जुमला था और जनता जाग चुकी है। बिहार की जनता 15 लाख हर भारतीय के खाता में आएगा। ये सब जुमलेबाजी से यहाँ की भारत की जनता उग चुकी है और यहाँ से बिहार से शुरुआत हो चुकी है। बिहार से भाजपा मुक्त और धीरे 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 भारत से भाजपा मुक्त हो। आप बड़ी मुस्कुरा रहे हैं, आप बोलिए कुछ। बढ़िया है। हाँ क्या लगता है, अब तो आ गया सत्ता ना? काम होगा ना? सब काम होगा। काका काम होगा, जितना कहे से सब काम होगा। जितना कहे तो सब हाँ सब काम होगा। चलिए देखते हैं, वक्त बताएगा, होवे करेगा सब। आप देख सकते हैं उत्साहित, देख लीजिए कार्यकर्ताओं में इतना उत्साहित है। लोग कह रहे हैं जो कहा गया सारा काम होगा। और भी चचा है मेरे साथ। चचा आप कुछ बताइए कि सत्ता आ गई है, आरजेडी के आप समर्थक हैं तभी तो यहाँ मौजूद हैं, क्या लगता है काम कैसे होगा? आरजेडी इस बार बहुत बढ़िया नई युवा नेतृत्व है, इसलिए युवा सोच के साथ। हाँ युवा सोच के साथ, चलिए युवा सोच के साथ, क्योंकि तेजस्वी यादव खुद युवा है। अब ये वक्त बताता है युवा सोच कितना कारगर साबित होता है, वक्त बताता है। धन्यवाद।